तो गाइस वेलकम बैक टू एक्सपेक्टिक। अब मैं आपको बता रहा हूँ वीएम वे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले वीएम वे क्या है इंटरेस्ट ऑफ मदर मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ वर्ड इज वीएम वे। तो यहाँ पर क्या आता है हम लोग देखते हैं वीएम से इज एन अमेरिकन क्लाउड कंपनी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। VMware mainly एक मतलब सॉफ्टवेयर है जिससे आप विंडोज के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग चला सकते हो और उसका मतलब जितने भी इच्छा चला सकते हो, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा सिस्टम रिक्वायरमेंट हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम रिक्वायर हम देख सकते हैं यहाँ पर कंपेटिबल 64 बिट x86 AMD 64 CPU लॉन्च अप टू 2011 और लेटर 2011 आप लेटर मतलब आपको मिनिमम इंटर का सेकेंड जन पैसा लगेगा इसको चलाने के लिए। और कोर्स पर आप देख सकते हो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ और फास्टर मेरे रेकमेंड माने तो मिनिमम 2.8 गीगाहर्ट्ज़ होगा तो अच्छा होगा। 2 GB रैम और मिनिमम 4 GB रैम और मोर रिकमेंड है। ये तो यहाँ पर 2 GB रैम मिनिमम है। आपके पास 2 GB रैम है मतलब सिस्टम में 2 GB का है और आप इसमें मतलब विंडोज 10 VMware में इंस्टॉल कर, लेकिन वो समझ करना क्योंकि आपका सिस्टम मतलब बहुत गर्म हो जाएगा और आपके सिस्टम के साथ VMware में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हैंग करने लगेगा बिकॉज विंडोज 10 मतलब मिनिमम आपका 4 GB रैम लगेगा विंडोज के अंदर। ठीक है, आप विंडोज के लेटेस्ट वर्जन जानने के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड है। विंडोज 10 2019 2016 2012 सर्वर एडिशन वाले यूबंटू विंडोज 8 सिक्स लिनक्स ओपन ओरेकल लिनक्स सेंट ओएस डेड हेड इंटरफेस ये सर। लेकिन आप एक नोट देख सकते हो विंडोज में होस्ट नो लॉन्गर सपोर्टेड वर्क स्टेशन 16 विल नॉट वर्क ऑन दिस। यहाँ पर तो ये लिखा आ गया। हम लोग क्या करेंगे मतलब VMware 15 तक चल सकता मोस्ट ऑफ दी स्पेसिफिक कम नहीं है। VMware डाउनलोड मैं जब यहाँ पर VMware डाउनलोड लिखता हूँ पर आ गए थे VMware डाउनलोड VMware को। लेकिन यहाँ पर VMware डाउनलोड करने के पहले मैं एक चीज बता देता हूँ ये जो VMware है अच्छा काम करते हैं यहाँ पर इंटेल का वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो मेनली सेकेंड या फिर थर्ड जेन के बाद में आते हैं और AMD आने में AMD के बाद में कुछ मतलब खास नॉलेज नहीं दे सकता लेकिन AMD मोस्ट आता है बस मुझे से पता है। यहाँ पर क्या है हम देख सकते हैं VMware 17 वर्क स्टेशन VMware 17 प्रो फॉर विंडोज VMware 17 प्रो फॉर लिनक्स और यहाँ पर प्रो गाइस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा चीज आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोडिंग मिलती है और यहाँ पर सिंगल डाउन कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके यहाँ पर मैं आपको VMware ओपन कर देता हूँ। VMware ये मेरा VMware वर्जन 7 प्लेयर इसको पता नहीं 7.2 में मतलब प्लेयर और 2 में क्या डिफरेंस है लेकिन मेरे पास ये है। अगर ऐसा वेल सर तो VMware वर्क स्टेशन 17 पर तो यहाँ पर मैं एक नया वर्क स्टेशन क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ISO आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और मेरा विंडोज प्रोफेशनल इंजेक्टेड है विंडोज इक्विपमेंट तो गाइस पहले मैं VMware खोल रहा था अब मैं विंडोज 11 बन रहा हूँ विंडोज में 2H2। आपको थोड़ा सा एक स्लाइड मैं आपको कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। होम यहाँ पर देख सकते हैं मेरा विंडोज प्रोफेशनल ऑलरेडी इंस्टॉल मैं आपको और एक मशीन में चेक कर सकते बिना मतलब फ्री में। ठीक है, विंडोज 2000 प्रोफेशनल डायरेक्टर जैसे मैं मुझको डाउनलोड करना चाहता हूँ ऐसा करना
देखते हैं विंडोज 11 एक्स 8 एक्स 64 डायरेक्टली नेक्स्ट में करते हैं ऑल द हेल्स लाइक दिस नेक्स्ट को फिर करते हैं 1 2 3 1 2 3 टाइप कर दिया तो सब ऐसे या तो मैं दे रही हूँ मिक्स में जाता हूँ ये बार ऐसे मिनिमम डिक्स 64 जीबी लगेगा ही नेक्स्ट मेमोरी 4 जन एक्सेस होंगी 2 पर सेट करते हैं फिनिश करते हूँ वैन एक्स ऑफ क्रिएटिंग डिक्स या पर एक टोस्ट जाते हैं या पर डिक्स दे दो तो या पर क्रिएट होंगे भी गए या पर क्रिएट हो रहा creating box, creating box. यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गया ये हो गया इसमें आऊंगा